नौजवानों के लिए योग, इसमें ऐसे वर्कआउट करना चाहिए जिससे हमारा शरीर की नस नस जागृत हो जाए और सारे अंगों को हम एक्टिव कर सकें। उसके लिए यह जो अभ्यास आप देख रहे हैं बहुत परम लाभकारी अभ्यास है। एक बार में कम से कम 20 बार करना चाहिए। करो बेटा इसको एक बार में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जोर लगाओ, 9, 10, उठाओ पीठ को, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, थोड़ा सा रुक जाइए। यह जो अभ्यास आप देख रहे हैं इंटरनल पावर को बढ़ाने वाला है, जिसे स्टेमिना कहते हैं, आंतरिक शक्ति कहते हैं, उस जीवनीय शक्ति कहते हैं, उस जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला यह अभ्यास है। इस अभ्यास को थोड़ा विश्राम करने के बाद पुनः प्रारंभ करिए, स्टार्ट करिए एक बार और, 1, 2, जितना पीठ उठेगा उतना ही समझिए कि आपके अंदर इंटरनल पावर की वृद्धि हो रही है। ललाट को ठेहुना में सटाने का यह अंतिम प्रयास होता है, अभी प्रारंभ अवस्था में है यह एक्सरसाइज, इसलिए धीरे धीरे इसको और उठाते जाएंगे, आपके पेट कम होता चला जाएगा, गैस कब्ज भी बनना दूर हो जाएंगे, मेरुदंड लचीला होने लगेगा और धीरे धीरे यह अभ्यास आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। और छोटी कर रही है, बहुत अच्छा अभ्यास, प्रयास बहुत अच्छा है बहन जी के द्वारा, खूबसूरत अभ्यास हो रहा, लगे रहना है आपको। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, इस भाव को मन में रख करके 10 राउंड करना। देखिए वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत अभ्यास, लगातार अभ्यास के प्रति समर्पित होकर के जब करेंगे अनुष्ठान की तरह, हे माँ दुर्गा मुझे शक्ति दो, ऐसा मन में भाव रखिए, बोलिए वीर बजरंग बली की जय, ऐसा करके अभ्यास करिएगा, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर ताकत आएगी। मैं नजदीक से दिखाना चाह रहा हूँ इस अभ्यास को करने पर पेट पर फोल्ड कितना होता है, आप देख सकते हैं ये बार बार आपके फैट को मोड़ रहा है, आपके जो मुलायम कर रहा है पेट को। कहा गया है माथा ठंडा, पैर गरम और पेट नरम, तो इस अभ्यास को करने से पेट आपका नरम हो जाएगा, माथा आपका ठंडा रहेगा और पैर आपका गर्म रहेगा। जब ये तीन चीज आपके अंदर समाहित हो जाएंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। और खूबसूरत अभ्यास, लगातार इस अभ्यास को हम करते हुए अपने भीतर के ताकत को बढ़ाने का लगातार एक्टिव प्रयास कर रहे हैं।